और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब यह है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे 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 कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ट्रायल हो लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर माँ बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए, पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है। भाई मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना, तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है, खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप, अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे, आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए हमें, जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते हैं उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। भारत मंडपम में एक संसद भवन के पास बना है, नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे एक कार्यक्रम हो रहा है। परीक्षा में चर्चा के साथ संस्करण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री स्वागत संबोधन हेतु आमंत्रित कर रहे हैं देश के शिक्षा कौशल विकास और
कॉमेंट्री माँ थक जाया किया गया तो पापा की कॉमेंट्री शुरू होती है, तो पापा थक जाते हैं। बड़े भाई की कॉमेंट्री शुरू हो जाती है और वो अगर कम पड़ता है स्कूल में टीचर की, फिर यहाँ पर कुछ लोग ऐसा नहीं था उनको जो करना कर लो, मैं अपना ऐसे करूंगा। कुछ लोग ऐसा सेंस है फेस्टिवल नहीं मनाया तो मेरा दोस्त पीछे रह गया। ऐसे भी तो दोस्त होते हैं। और क्या दोस्ती लेन देन का खेल है क्या? जी नहीं, दोस्ती लेन देन का खेल नहीं है। जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। और ये जो दोस्ती होती है ना, उसको एक छोड़िए परिवार की संगीत में वो सामर्थ्य है। हाँ, अगर हम कान बंद कर करके संगीत में बैठे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम होते हैं संगीत बज तो रहा है लेकिन हम कहीं और होते हैं और इसलिए हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूं कि किस भी टीचर के मन में जब ये विचार आता है कि मैं स्टूडेंट के इस तनाव को कैसे दूर करूं, मैं हो सकता है मैं गलत हूं लेकिन शायद मुझे लगता है कि
टीचर के मन में परीक्षा का प्रावधान है। अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए। आपका स्टूडेंट के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता रहना चाहिए, तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी। आप सोचिए आज मोबाइल का जमाना है, स्टूडेंट के पास भी आपका मोबाइल होगा ही होगा। क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको फोन किया है कॉल पर कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं चिंता में हूं? कभी नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में आपका कोई विशेष स्थान है। उसको लगता है कि आपका मेरा नाता सब्जेक्ट है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, लैंग्वेज है। जिस दिन आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के सामने भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। अगर ये नाता है तो एग्जाम के समय तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। आपने कई डॉक्टर देखे होंगे, उन डॉक्टर में डिग्री तो सबके पास होती है, जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ज्यादा सफल इसलिए होते हैं कि पेशेंट आकर के जाने के बाद एक आध दिन के बाद फिर उसको फोन करते हैं कि भाई आपने वो दवाई ठीक से ले ली थी, कैसा है आपका। वो दूसरे दिन अपने अस्पताल आएगा तब तक इंतजार करने के बजाय बीच में एक आध बार बात कर लेते हैं, और वो बॉन्डिंग होता है ना वो उसको आधा ठीक कर देता है। आपको कल्पना आती है उस माँ बाप को जब आम बच्चे को बताया क्या होगा घर में जाकर के कि आज मैं ये करके आया, लेकिन टीचर खुद जाकर के अगर बताता है तो उस परिवार में टीचर का आना, टीचर का बताना उस बच्चे को भी ताकत देगा और परिवार भी कभी कभी और कुछ सोचता होगा। जब टीचर ने आके कहा तो परिवार भी सोचेगा मेरे बच्चे में ये तो देखेंगे कि एकदम से माहौल बदल जाएगा। और अब इसलिए पहली बात यह है परीक्षा के समय तनाव दूर करने के लिए क्या करना, उसके लिए तो मैं बहुत कुछ कह चुका, मैं उसको रिपीट नहीं करता। लेकिन अगर वर्ष भर आपका उसके साथ नाता रहता है, मैं तो कभी कुछ पूछता हूं इसकी जरूरत कि भाई आप 30 साल से टीचर है, जो पहले बार आपके यहां पढ़ाई करके गए होंगे शुरू में, अब उनकी शादी हो गई होगी, क्या कोई आपका स्टूडेंट अपना शादी का कार्ड देने आया था? 99% टीचर मुझे कहते हैं नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मतलब हम जॉब कर देते, हम जिंदगी नहीं बदलते। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है। जय
जिंदगी को